गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैम गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा। सभी लोग आज के सेशन में सभी लोगों को बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़नी है इन धनुष के रंग, ठीक है? तो आप लोग आराम से सीटों पे बैठ जाइए, कोई मोबाइल टच नहीं करेंगे, ठीक है? सभी लोग अपना बुक, मैम कौन सी बुक है? मैम बुक ए। मैम कौन सी बुक है? बुक ए। मम्मी जिसका नाम लेंगे बेटा वही अपना माइक ऑन करके और बोलेगा, ठीक है? रीड करेगा, बुक रीडिंग करवाएंगे, बाकी लोग सुनोगे। जिसका नाम लेंगे और बुक रीडिंग करेगा, ठीक है? पेज नंबर कितना है? 38 58। हाँ बेटा, मैम ओपन करें। यस मैम। हाँ चलिए, यस मैम। पढ़ना बाकी लोग, मैं आपको सभी लोग म्यूट रखोगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे प्रज्वल इन धनुष के रंग। मैम पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 58। हाँ चलिए प्रज्वल सिंह स्टार्ट कीजिए। चलिए सोनू मोनू मुझे से खेल रहे थे, स्टार्ट कीजिए। अरे बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रज्वल। मैम सोनू। हाँ मैम सोनू मोनू। मजे से खेल रहे थे। हाँ बेटा आगे किस चनाक मैम अचानक जाते तेज बारिश और बड़ी मंडली लगी होने लगी होने लगी होने लगी बारिश में सूरज के चाहते चमकते चमकते बड़ी मात्रा ही। हाँ
पापा बूढ़ी माता ही बड़ा आसमान आसमान रंग बिरंगा इन धनों से निकल आया क्या होता है इन धनों से आइए जानने के लिए पढ़ते हैं यह पाठ से जुड़े कुछ शब्द नारंगी रंग बैंगनी कहाँ पर है इन धनों से गुमसुम हाँ बेटा स्टॉप हो जाइए मैम कहाँ पर है तुम क्या कर रहे हो तुम्हें अभी तक पता नहीं है चैप्टर 8 बताए हैं पेज नंबर 58 बताए हैं उसके बाद तुम नहीं समझ पा रहे हो कहाँ कोई पढ़ रहा है मैम वहीं पर मैम चैप्टर 8 बुक निकाले मैम कहाँ पर पढ़ रहे हैं ऊपर का पैसेज पाठ से जुड़े कुछ शब्द दिया नहीं गया है हाँ बुक ए है देखा अब बीच में बोलना मैम हाँ देखा ना आपने हाँ चलिए इसमें इस चैप्टर में बेटा आप लोगों को अंग की मात्रा वाले शब्द मिलेंगे ढेर सारे ठीक है अंग जैसे इंद्र बोल रहे हो इंद्र यहाँ पे भी अंग की मात्रा है रंग बोल रहे हो यहाँ भी अंग की मात्रा है नारंगी लिखा है यहाँ भी अंग की मात्रा है ना बैगनी लिखा है यहाँ भी अंग की मात्रा है इस तरह से आपको अंग की मात्रा वाले सारे शब्द यहाँ पे बहुत सारे शब्द मिलेंगे ठीक है तो चलिए आदर्श गुप्ता अब आप कहानी शुरू कीजिए आप आदर्श गुप्ता जहाँ से उन्हें पढ़ के छोड़े हैं उसके नीचे से देख रहे हो सभी लोग चित्र में सबको चित्र दिखाई दे रहा है हाँ यस मैम नहीं दिखाई दे रहा है आप आपके बुक में चित्र नहीं है दिखाई दे रहा है आपको कुछ न दिखाई देता है न सुनाई देता है न आप पढ़ पाते हो खाली बोलते हो बीच बीच में चलिए पढ़िए मैम का यहाँ पे बड़ी मानता है कही यहाँ से बहुत पुरानी बात है दो दूर कहीं नीले आकाश की एक गली में साथ दोस्त रहते थे गली के एक तरफ बैगनी बड़ा आसमानी और नीला रहता था नील रहते थे दूसरी तरफ हरी पीली नीली और लाल रहते
हरी, पीलू, नारंगी और लाल रहते थे। वह एक डपर बड़ों में तदू डपर बड़ों में तदू आधा सा दूसरे आधा सा पूरा सा है। आधा सा कहाँ है? छोटा सा पूरा नहीं है? दूसरे के साथ दूसरे के साथ कभी कभी नहीं है। खूब 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 खेलते पढ़ते खेलते आदर्श यादव जानीपुर आप शांत रहो पढ़ते थे पढ़ते और पढ़ते बातें करते और पढ़ते थे। चलिए आदत प्रताप सिंह इसके आगे और एक दिन स्टॉप। आदत प्रताप सिंह आप पढ़ेंगे अब। एक दिन सातों मिलकर अपने दोस्त बादल राजा के पास पहुंच गए। सबने सोचा क्यों न मिलकर कोई खेल खेला जाए। सबसे पहले नील ने कहा चलो हम सब मिलकर लुका छुपी का खेल खेलते हैं बड़ा मजा आएगा। सब झट से राजी हो गए। बैंगनी बोला बादल राजा सबसे पहले आप गिनती गिनिए और हम सब छिपेंगे। ठीक है चलो मैं गिनती गिनना शुरू करता हूँ। बादल राजा ने पीठ घुमाते हुए कहा मैं गिनती गाने लगे और गिनती गाने लगे एक दो तीन चार मैं ढूंढूंगा तुमको हो जाओ तैयार। सातों भागा जल्दी जल्दी अलग अलग कोने में जाकर छिप गए। स्टॉप अब बादल राजा स्टॉप स्टॉप। चलिए बेटा आगे पढ़ेंगे आराध्या। यस मैम। अब बादल राजा मैम पढ़े आराध्या बीच में क्यों बोल रहे हो पढ़िए आराध्या। अब बादल राजा ने उन्हें ढूंढना शुरू किए लेकिन ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। वे किसी को भी नहीं ढूंढ पाए। आखिर छोटी मात्रा और आखिर थक कर वे एक जगह बैठ गए। आगे पढ़िए। गुमसुम बैठा देख सूरज ने पूछा। सूरज चाचू ने पूछा आप सब को छोड़ क्यों देती हो हैं? सूरज चाचू ने पूछा वह क्या हुआ बादल राजा आप उदास हो है हुए हैं। बादल राजा ने
उन्हें पूरी बात बताई। सूरज चाचू ने पूछा, चलिए दिव्यांशु आप पढ़िए। जल्दी कीजिए, सभी को पढ़ना है। दिव्यांशु बात बताए सब। सूरज चाचू ने फिर कुछ सोचा और बोले, बादल राजा आधा का कम तो को क्यों ना ये परे मात्रा है संबसी ऐसे ऐसी तंत्रता का प्रबंध की तरकीब लगाई जाए कि वे सब सपने अपने आप ही बाहर आ जाए। स्टॉप। चलिए रौनक पाशवान आप पढ़ेंगे। ऐसा हुआ सकता है रौनक पासवान, नहीं पढ़ना आपको। चलिए आदर्श वर्मा पढ़ेंगे। आदर्श वर्मा ऐसी है ऐसा है सकता है हैरानी से पूछा है क्या नहीं बात। हाँ ठीक से पढ़ो। हाँ क्यों नहीं रानी से कहा कि बारिश कर दो बाकी मैं देख लूं। सूरज ने चलिए आदर्श वर्मा आप पढ़ेंगे बेटा। यहाँ से आदर्श वर्मा ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ से पढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है क्या बादल राजा ने हैरानी से पूछा, हाँ क्यों नहीं बस तुम बरखा रानी से कहो कि बारिश कर दे बाकी मैं देख लूंगा। सूरज चाचू ने कहा, बस फिर क्यों क्या था, जैसे ही सूरज चाचू ने कहा वैसे ही बरखा रानी ने खूब सारा पानी बरसा दिया। पानी देखा स्टॉप। चलिए देवेश शर्मा आप पढ़ेंगे आगे। हाँ
चलिए देवांश देवांश आप पढ़े। देवांश देवेश आपकी आवाज आने नहीं है। देवेश आपकी आवाज नहीं आ रही। देवांश आप पढ़ेंगे। देवांश मामा रीड कर चलिए। अनुष्का ये भी नहीं सुन रहे हैं। अनुष्का आप पढ़िए बेटा। जाने दो जो नहीं सुन रहा ना सुने। मैम पानी देखकर सारे दोस्तों की खुशी का ठिकाना ना रहा। सातों जल्दी से भागकर बाहर आ गए और खूब झूमकर साथ में नाचने लगे। नाचने गाने लगे। नाचने गाने लगे। सूरज चाचू ने भी सूरज की रोशनी में उनके चमकते रंगों के देखकर बादल राजा ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया। फिर सभी ने साथ में खूब मजे किया। अचानक में सूरज की रोशनी के आकाश में सूरज की रोशनी के बीच सातों दोस्त चमक रहे थे। जानते हो उसके बाद से जब भी बारिश के बाद सूरज निकलता है तो या सातों दोस्त पूरे आकाश में दिखाई देते हैं। हाँ बस वे सब यह नहीं जानते कि पूरी दुनिया इन्हें इंद्रधनुष के नाम से जानती है। थोड़ी समझ में आई। चलिए महिमा आप फिर से चलिए। देखिए बेटा सभी लोग सुनेंगे केवल ठीक है। इसमें इंद्रधनुष आप लोगों ने कभी बारिश हुई होगी तो आसमान में इंद्रधनुष को देखा होगा ना। तभी लोगों ने देखा है। हम भी देखे हैं। इन धनुष में देखिए हाँ कितने रंग होते हैं। इन धनुष में कितने रंग होते हैं। सात रंग होते हैं। सात रंग देखिए। देखिए बैगनी आसमानी नीला हरा पीला नारंगी और लाल सात रंग होते हैं इन धनुष के ठीक है। इसी सातों को सात दोस्त पर्पल सात रंग होते हैं। ये जो सात रंग बेटा ये सातों आपस में क्या है दोस्त हैं ठीक है। जब कभी भी वर्षा रानी बारिश करती है खूब तेज बारिश होती है उसके बाद सूरज चाचू आसमान में आते हैं तो वर्षा बारिश होती है उसके बाद नीलू पीलू यानी जो सातों रंग है इंद्रधनुष ये सारे सातों रंग निकल के आसमान खूब हंसते खेलते हैं नाचते गाते हैं तो ये दूर होने से ना हमसे इन धनुष के रूप में हमें दिखाई देते हैं ठीक है। ये सातों दोस्त हमें इन धनुष के रूप में दिखाई देते हैं खेलते हुए सातों दोस्त देख रहे हो ना पिक्चर्स में कैसे सातों दोस्त खेल रहे हैं है ना। यस मैम
देख रहे हो? आसमान। हाँ चलिए, अगर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, अगर सूरज चाचू और बरखा रानी बादल राजा की मदद नहीं करते तो फिर वह सातों दोस्तों को कैसे ढूंढते? कौन बताएगा? हैंड शो करेंगे मैम। अगर सूरज बातों बातों में क्वेश्चन देखिए, अगर सूरज चाचू और बरखा रानी बादल राजा की मदद नहीं करते तो फिर वह सातों दोस्तों को कैसे ढूंढते? क्यों इतना देर आए हो तुम? जाओ बैठो, आराम करो, तुम्हें नहीं जानना है न पढ़ना है। अब आ रहे हो तो पेज नंबर पूछ रहे हो, पूरी स्टोरी पढ़ा दी गई, पेज नंबर पूछ रहे। कहाँ थे इतने देर तक? हाँ, लेट कहाँ थे आप? बताएंगे नहीं कहाँ थे? हाँ चलिए, आंसर कौन देगा? अगर सूरज चाचू और बरखा रानी बादल राजा की मदद नहीं करते तो फिर वह सातों दोस्तों को कैसे ढूंढते? छुपा छुपी खेल रहे थे ना आसमान में। हाँ आदर्श प्रताप सिंह बताए। ढेर सारा पानी ले लेती, मैं सभी को कोने में जाके डाल देती। सातों दोस्तों को ठंडी लगता और उन लोग बाहर निकल आते। अच्छा, बहुत अच्छी तरकीब बनाए हो। तो सूरज चाचू पानी कहाँ से पाते बेटा? आसमान में तो नदी। हाँ, नदी में नदी से पानी ले जाके डाल देते, तब सातों दोस्त ठंडी लगती और निकल आते। और कोई बताएंगे? और कोई बताएगा अपनी राय? हाँ, लक्ष्मण कैसे ढूंढते बेटा? सूरज चाचू बरखा रानी बादल राजा की मदद नहीं करते तो कैसे ढूंढते सातों दोस्त को? मैं पानी से। कैसे पानी से? हाँ बेटा, और कोई बताएगा? अमर सॉरी मैम, हाँ महिमा बताइए बेटा। मैम बादल राजा में पानी लेकर नदी में से डाल देते, मैम तब निकल जाते। अच्छा अच्छा, चलिए बताइए बेटा, बारिश से पहले और बाद का वातावरण कैसा होता है? यानी देखने में बारिश से पहले का और बारिश के बाद में जो हमारे आसपास के क्षेत्र में वातावरण है। हाँ बेटा, आदर्श आदर्श जानीपुर क्या बोलना चाह रहे हो? बारिश के बाद मैम धनुष निकलता है। बारिश से पहले पहले बताइए। मैम धूप निकल। मैम बारिश से पहले मैम सूरज रहता है। सूरज रहता है और बारिश के बाद मैम इंद्रधनुष निकलता है। हाँ, इंद्रधनुष निकलता है। मैम इंद्रधनुष निकलता है। इंद्रधनुष निकलता है। यस मैम। सही जानते हो बारिश के पहले बाद में का वातावरण कैसा होता है? अच्छा, रोज तो बारिश के बाद क्या आप लोग रोज बारिश के बाद इंद्रधनुष को देखते हो?
नो मैम। तब फिर क्यों कह रहे हो बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है? मैम हम देखे हैं। रोज देखते हो बारिश के बाद? मैम भी देखे मैम हम भी देखे मैम देखे तो हो हमें मानते हैं सभी ने देखा इंद्रधनुष, लेकिन क्या रोज होते बारिश? देखिए बारिश के मौसम में बारिश सब रोज कभी कभी निकलता है मैम। इंद्रधनुष मैम कभी कभी निकलता है, कभी निकलता मैम, कभी कभी नहीं निकलता। चलिए अनुष्का आप बताइए बेटा। यस मैम। बारिश के पहले कैसा लगता है मौसम, बारिश के बाद कैसा हो जाता है? मैम बारिश के पहले होता है, बारिश के बाद क्या होता है? दोपहर होता है। चलिए हमें बताएंगे सार्थक सौम्या कितने लोग बताएंगे इन धनुष के सात रंग कौन कौन से हैं? हैंड शो करिए इन धनुष के सात रंग। चलिए सौरभ सैनी बताइए। सौरभ सैनी मैम रेड मैम ऑरेंज मैम येलो मैम ग्रीन मैम। हिंदी बोलिए। रेड ऑरेंज नहीं हिंदी बताइए। मैम लाल मैम मैम रूपीज बताइए। मैम लाल मैम लाल मैम मैम लाल मैम नारंगी मैम पीला मैम नारंगी मैम आसमानी मैम हरा मैम नीला मैम आसमानी कलर। पूछा क्या मैम पर्पल। आदर्श गुप्ता आदर्श यादव आप लोगों से हमने पूछा क्या? हाँ आप लोगों का नाम लिया हमने बताने के लिए। नो मैम। तब फिर क्यों बोल रहे हो बीच में? चलिए सौम्या बताइए। सौम्या इन धनुष के सात रंग कौन कौन से हैं? बताइए सौम्या हैंड शो कर रही हो। सौरभ सैनी आप बता नहीं पा रहे हो। मैम लाल मैम सतरंगी कलर मैम पीला मैम ग्रीन मैम आसमानी कलर मैम नीला मैम पर्पल कलर। हिंदी में सारे नाम बताइए। आपको हिंदी में सारे नाम नहीं पता है। चलिए प्रज्वल सिंह आपको पता है सात रंग के बारे में कौन कौन से रंग हैं? हाँ बेटा बताइए। पता है आपको? बताओ। मैं इंग्लिश में। इंग्लिश में तब उसकी हिंदी में बताओ आप। हिंदी में बताना हिंदी।
आप बोल चुके हो देवेश लाल लाल आसमानी हरा सात रंग हुआ। हाँ चलिए देवांश देवांश बताइए देवांश। मैम बैगनी मैम नीला मैम आसमानी मैम हरा पीला नारंगी लाल। आदर्श प्रताप से बताइए। आवाज नहीं आ रही है। सौम्या रौनक मैम लाल मैम नारंगी पीला मैम नारंगी सभी ने साथ में। हाँ चले बेटा सिसरिंड हो रहा है। आप सभी लोग एक बार फिर से इस कहानी को रीड कर लेंगे बढ़िया से ठीक है। सभी लोग कहानी करेंगे और अंक की मात्रा वाले शब्दों को 10 शब्द लिख कर भेजेंगे। आज का होमवर्क नहीं मिला है ना अभी आपको। अंक की मात्रा वाले इस बुक से आप इस चैप्टर से चैप्टर 8 से अंक की मात्रा वाले कम से कम 10 से 10 शब्द आप लिख कर भेजेंगे ठीक है। सभी लोग नोटबुक में 10 शब्द लिखेंगे इसी में से खोज के और फिर उसका फोटो क्लिक करके भेजेंगे ठीक है। यस मैम। कल का होमवर्क हम बताएंगे बाद में ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ बेटा मैम कल भेजना है। आज का होमवर्क नहीं मिला है अभी आपको। यस मैम आज भेजना है आज कल भेजना है। आज आज भेजना है अभी अभी। मैम वन पेज या टू पेज। मैम वन पेज की टू टू वन नहीं भेजना है। अंक की मात्रा से बने 10 शब्द इसी चैप्टर से ढूंढ कर लिख कर भेजना है